और अब बात ग्वालियर की, ग्वालियर के थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण, यह आगे आपको समझाता हूं मैं, पुनर्घनत्वीकरण प्रोजेक्ट फिर विवादों में है। यहां काम कर रही कंपनी पर पेड़ों को गलत तरीके से काटने, उनकी संख्या छिपाने के आरोप लगे हैं। इसे लेकर पर्यावरणविदों का एक डेलीगेशन संभागीय आयुक्त से मिला, शिकायत की। अब ग्राउंड जीरो पर आयुक्त खुद पहुंचे हैं। उन्होंने आदेश दिया कि कोई पेड़ काटने और रीट्रांसप्लांट करने पर जियो टैगिंग और फोटोग्राफी कराई जाए। आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है थाटीपुर प्रोजेक्ट, पहले चरण में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से 376 फ्लैट, स्कूल, बिल्डिंग कार्यालय कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी सेंटर, इनका निर्माण का काम होना है। लेकिन यहां पर लगे पेड़ों की शिफ्टिंग को लेकर यह विवाद बना हुआ है। कुछ इस तरह के ज्ञापन हमें दिए थे कि उसका ठीक से यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में एक जांच की जाए। तो आज मैंने कलेक्टर ग्वालियर, डीएफओ ग्वालियर, पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी, नगर निगम के जो अधिकारी हैं गार्डन रिलेटेड, वो सभी लोगों ने, हम लोगों ने जॉइंटली इसको इंस्पेक्शन किया है। और जो यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन वाली चीज़ है, उसमें एक अच्छी बात यह है कि जो पेड़ यहाँ से हटाए जा रहे हैं वो इसी कैंपस में ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। ये जानकारी मिली हमको 2-2.5 वर्ष पूर्व कि यहाँ पे पुनर्घनत्वीकरण योजना आ रही है और हजारों पेड़ कटने वाले हैं, और साथ ही साथ ये जानकारी आई कि गृह निर्माण मंडल बोल रहा है कि इस पूरे इलाके में केवल 700 पेड़ हैं, जो कोई भी एक साधारण आदमी भी देख के बोल देगा कि हजारों पेड़ हैं। गूगल मैप से देखेंगे तो मेन रोड से दाहिनी ओर इस तरफ ये पूरा हरा दिखता है और उस तरफ पूरा ब्राउन दिखता है।